श्याम श्री हनुमान जी कहते हैं राम काज करने के लिए आगे बढ़े हैं, धन का साधन की तरह उपयोग करें। धन का सदुपयोग करने, जीवन में सुंदर कांड घटित होगा, अतियों से मुक्त हो। जीवन संतुलन चाहता है, अति से जीवन नष्ट होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन श्री हनुमान जी आगे बढ़े तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। क्या? जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उसे सोने का किवाड़ क्या रोकेगा लंका में। इसलिए हनुमान जी राम काज करेंगे। यह धन का सदुपयोग। और वैसे एक बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था, राज्य परिवार के द्वारा संचालित था। राजा स्वयं समय समय पर मंदिर की व्यवस्था देखने जाते। विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर समय से बंद होता, समय से पट खुलते, समय से आरती पूजा सब। पुजारी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सेवा में संलग्न थे। एक दिन सायंकाल आरती हुई, पट बंद हो गए। एक व्यापारी आया, पुजारी जी दर्शन अब नहीं हो सकते, पट बंद हो गए। मैं बहुत दूर से आया हूं, कहीं से भी आओ। व्यापारी के छद्म वेश में राजा ही था, परीक्षा करने आया था कि नियम ठीक चल रहा है कि नहीं। राजा ने कहा मैं व्यापारी हूं, बहुत दूर से आया हूं और दर्शन नहीं। नहीं पुजारी बोले सवाल ही नहीं, दर्शन आप पटबंद हो गए। यहां नियम की बड़ी सख्ती है, विधिवत सब कार्यक्रम होते हैं, ऐसे नहीं। राजा बड़ा खुश हुआ कि नियम का पालन अच्छा होता। लेकिन राजा ने सोचा थोड़ी और परीक्षा ने, सो स्वर्ण मुद्राएं निकाली, ये ले लो पुजारी जी दर्शन करा दो। अब पुजारी जी बोले यही तो है, आप लोगों का भक्तों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है। रखो रखो। राजा समझ गया कि अब थोड़ी शिथिलता आई और ये सब ले लो। ऐसा है पिछले दरवाजे से आओ, उधर से पीछे से, इधर तो बंद हो गया, चलो। इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर भीतर ले गए पुजारी जी, बिल्कुल सीधे दर्शन करा दिए। राजा बड़ा खुश हुआ, कल पुजारी से बात करूंगा। पुजारी बड़ा खुश कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। दूसरे दिन दोपहर को राजा साहब ने पुजारी जी को बुलाया। राजा साहब बुलाने, पुजारी जी बड़े खुश हुए। राजा साहब बुलाने तैयार होकर जो गए, राजा साहब ने कहा आइए पुजारी जी, मंदिर की व्यवस्था आ रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज, सब बिल्कुल व्यवस्थित चल रही। अच्छा पूजा आरती सब समय से, अच्छा पट बंद होने के बाद दर्शन प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। सायंकाल आरती के बाद पट बंद होते कोई दर्शन को आ जाए, नहीं नहीं हो ही नहीं सकते। दर कोई व्यापारी आ जाए, बाहर से आया हो, दूर से आया हो, तो भी नहीं होते दर्शन। अब पुजारी समझ गया कि राजा ही थे ये। राजा बोला सोच लो, किसी भी तरह दर्शन नहीं होते। तो पुजारी हाथ जोड़ के बोला साहब हमारे यहां तो नियम पक्का, हम तो दर्शन नहीं होने देते, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, अब लक्ष्मी माता ही कहने लगे तो हम कैसे मना करें। वो उनका आपसे मामला। लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं अपने पक्ष में, पर सुंदर कांड हमें यह सिखाता है कि जिंदगी बड़ी सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। हनुमान जी ने वही किया, स्पर्श भी किया, सोने के पहाड़ का प्रणाम भी किया और राम काज करने के लिए आगे बढ़ गए। इसका मतलब धन को छुआ और छूकर राम काज में लगाया, यही जीवन की सुंदरता है, सुंदर कांड है। लेकिन अगर कोई इसे त्याग माने, जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े वैसे ही आ, 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 आ,
मन सा नाम अहिन के माता पठेन आय कही तेही बाता। अच्छा देखो कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड का हनुमंत कथा का। ये सुरसा पहले नहीं आए, जब श्री हनुमान जी ने सोने का पहाड़ छोड़कर आगे की यात्रा की, सोने का पहाड़ छोड़ा तो सुरसा आ गई। इसका अर्थ क्या है कि जब जब कोई त्याग करता है तो प्रशंसा आ ही जाती है। सुरसा माने प्रशंसा। ये सर्पों की माँ है और सर्पों में बड़ा जहर। ये प्रशंसा व्यक्ति के जीवन में अभिमान का जहर घोल देती है। प्रशंसा से अभिमान पैदा हो जाता है। अच्छा आई कब, जब हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग कर दिया। देखो कितनी अद्भुत बात है, साधक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, सामान और सम्मान। कुछ लोग सामान में अटके हैं और जो सामान छोड़कर आगे बढ़ गए वे सम्मान में भटके हैं। अच्छा सामान भी लोग क्यों, लोग कहेंगे वाह इनके पास इतना, अरे वाह इतना और इतना, और जब उनकी वाह वाह होती कि इनके पास इतना, अब हम उतना नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, क्या सब छोड़ दिया। अब इसमें भी वही वाह, इतना छोड़ दिया, वाह 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 दोनों ही जगह चाहिए। सामान वाले भी वाह चाहते हैं और सम्मान वाले भी वाह चाहते हैं। इतना त्याग करने के बाद भी एक आशा तो बनी ही रहती है कि लोग हमें त्यागी जी कहें। बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास, असन छोड़ आसन गही, अजहूं यस की आस। अभी भी तो कोई सामान में अटके हैं, कोई सम्मान पाकर भटके हैं, और मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही समुद्र के बीच में हैं, सोने का पहाड़ भी और सुरसा भी। इसका अर्थ है कि जो सामान में अटके हैं वे भी, और सम्मान में जो भटके हैं वे भी, अभी पार नहीं गए, दोनों संसार समुद्र के बीच में ही हैं, संसार सागर के बीच में।
सुरसा बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज सुरन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन दिल दीन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। श्री हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें नहीं। सीता माता का दर्शन कर लें और सीता माता का संदेश राम जी को सुना दें, फिर हम तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाएंगे। इसका आशय क्या? कि पहले भक्ति मिल जाए और भगवान मिल जाए, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। अभी तो ना भक्ति मिली ना भगवान मिले, प्रशंसा बीच में ही डुबाई दे रही है। सीता जी मिल जाए, राम जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए, फिर प्रशंसा हो तो होती रहे। लेकिन प्रशंसा ही ना पहुंचने दे ना भक्ति तक ना भगवान तक, वह प्रशंसा तो ठीक नहीं है, वह तो समुद्र में ही डुबाई दे रही है, संसार के सागर में ही डुबाई दे रही है। तब सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो फिर देर मत करो। कथा बड़ी सुंदर है। एक योजन का मुंह सुरसा ने किया, योजन भरते ही बदन पसारा, तो कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी दुगने हो गए। 16 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 32 योजन हो गए। और बढ़ते बढ़ते जितना मुंह बड़ा करे हनुमान जी उतने ही बड़े हो जाएं। अंत में सत योजन ते ही आनन कीन्हा। संकेत बड़ा अच्छा है कि हनुमान जी जितने बड़े बनते जाएं सुरसा का मुंह उतना ही बड़ा होता जाता है। देखो, बड़े होने से आप प्रशंसा से नहीं बच सकते। आप जितने बड़े होंगे प्रशंसा करने वालों का मुंह भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए बड़ों बड़ों की प्रशंसा करने वाले भी बड़े बड़े। हनुमान जी ने कहा क्या करें, हम जितने बड़े होते जाते हैं प्रशंसा का भी मुंह उतना ही बड़ा, सुरसा का भी मुंह भी उतना ही बड़ा। अंत में सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया। आप विचार करो, सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के नहीं हो सकते थे, हो सकते हैं। लेकिन कथा आगे बढ़ती कि यहीं रुकी रहती। हम सब कथा कहने वाले इतने ही कहते, सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, फिर हनुमान जी 200 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया और हनुमान जी 600 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया। यही होती कथा। श्रोता भी पूछते कि कथा कितने योजन पे चल रही है। हनुमान जी ने तुरंत एक उपाय किया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और छोटे हुए तो सुरसा खा नहीं सकी, बदन पैठ पुनि बाहर आवा। क्यों? सुरसा का मुंह जल्दी छोटा क्यों नहीं हो सका? 100 योजन का मुंह है, जल्दी छोटा नहीं हो सकता। और व्यंग यह है कि खाने वालों का मुंह एक बार बड़ा हो जाए तो जल्दी छोटा होता नहीं है। और 100 योजन का मुंह 4 कोस 8 मील का एक योजन होता है, तो 800 मील किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही होंगे। अब कितनी भी रफ्तार से बंद हो तो घंटा 2 घंटा लगेगा कि नहीं? तब तक हनुमान जी वदन पैठ पुनि बाहर आवा। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम छोटे बन सकें, अगर हम विनम्र हो सकें, तो फिर प्रशंसा के मुख में जाने से बच जाएंगे। फिर प्रशंसा हमारे भीतर अभिमान पैदा नहीं करेगी। हम इस तारीफ से, प्रशंसा से बड़े होकर नहीं बच सकते। छोटे और छोटों मोटों को तो प्रशंसा वाले देखते ही नहीं है, उनको प्रशंसा के लिए भी तो बड़ा चाहिए। और हनुमान जी लघु नहीं हुए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और कितना बढ़िया संकेत है,
नानक नन्हे होए रहो। सदगुरुदेव नानक जी ने कहा, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही तू, बड़े बड़े बही जात है दूब खूब की खू। नदी किनारे की घास, पानी की तेज धारा आए बाढ़ के रूप में तो घास झुक जाती है, पानी उसे उखाड़ नहीं पाता है। और बड़े बड़े पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं, उखड़े चले जाते हैं, अकड़े की उखड़े। और झुकता वो है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। और इसीलिए कौन आएगा यहां, कौन आया होगा, कौन आएगा यहां, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। और गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधी और तुमने दरख्तों को गिराया होगा। बड़े बड़े दुख साथ हैं छोटे दुख से दूर, और तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद और सूर। श्री तुलसीदास जी के नाम से एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भय भूस खात। गाय के दो बछड़े, छोटा और बड़ा हो जाए वही बछड़ा तो बैल, छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है और काम कुछ नहीं, और बैल को दिन भर काम करने को मिले, भूसा खाने को मिले, भूसा खाने को मिले, है ना। देखो भैया, किसी ने एक बाल्टी में दूध भर के रखा बैल के सामने का, आज दिवाली का दिन है, त्योहार है, तुम भी दूध पी ले, नहीं मिलता। बड़ा बनने वाला तो भूसा ही खाता है, छोटे को ही दूध पीने को मिलता है। इसलिए भाई विनम्रता जीवन का श्रृंगार है, नम अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन बैठ पुनि बाहर आवा, मांगा बिना काहे सिरु नावा, मांगा बिना काहे सिरु नावा। अंतिम बात, प्रशंसा से छोटे बनकर, धन से असंगता पूर्वक व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना, प्रशंसा से बचने का उपाय छोटे बन जाए, और ईर्षा से बचने का उपाय सिंह का। सुरसा ने तो आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने कहा, तुम्हारा बल भी देखा और बुद्धि भी देखी, जब तुम बड़े हुए तो बल देखा और जब छोटे बने तो बुद्धि देखी। और सिंगिका क्या करती है, छाया पकड़ती है, ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराकर खा जाती है। ईर्ष्यालु आदमी यह नहीं देखता कि कौन आदमी कितनी ऊंचाई पर है, वह तो यह देखता है इसकी कमजोरी कहाँ है, और बड़े से बड़े को नीचे गिरा लेना कमजोरी पकड़कर, यही ईर्ष्या का काम है। पर हनुमान जी ने कहा, सिंगिका अभी तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिन पर किसी की छाया नहीं रही होगी, हमारे सिर पर तो राम जी के कर कमल की छाया है, इसलिए तुम हमारा क्या मिटा। और हनुमान जी उस ईर्ष्या पर विजय पाते हैं और तब वे समुद्र पार हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो प्रशंसा से सम्मान से बच सके, सामान में अटके नहीं, सम्मान में भटके नहीं, और ईर्ष्यालु लोग मिले तो भगवान की कृपा का स्मरण करते रहे, वह सहज ही संसार सागर से पार हो जाता है। यही हनुमंत कथा का संदेश है, और यह मंगलमय संदेश हमारे आपके जीवन में उतरे। नाम संकीर्तन।
हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हनुमान सम नहीं बड़ भागी हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जास प्रीति सेवकाई गिरिजा जास प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई बार बार प्रभु निज मुख गाई राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री के केड़िया जी श्री मर्चेंट जी कृपया आप सब शामिल हो आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण की आरति श्री रामायण की आरति श्री रामायण की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सन काज से अनुसारद वरन पवन सुख कीरति नीति वरन पवन सुख कीरति नीति आरति श्री रामायण की आरति श्री रामायण रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश गावत
वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही पी सारे अंश सम्मत सब ही पी आरती श्री श्री रामायण जी श्री रावत संतत शंभु भवानी रावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज वखानी व्यास आदि कवि वरज वखानी काव्य भूषण गरुड़ आरती श्री आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कलिमल हरण विषय रस थी की कलिमल हरण विषय रस थी की सुभग सुंदर मुक्ति युवती की सुभग सुंदर मुक्ति युवती की दलन लोभ भव मूरि अमी की दलन लोभ भव मूरि अमी की तापमान सब विधि तुलसी की तापमान सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण ललित सियती ललित सियती आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण 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 चरितमानस भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे।